back to my channel. This is your girl Shivani Katoch. So I create videos related to fashion, beauty, DIY hacks related to fashion and beauty. So let's talk about this video. So this one is a skincare video. As you can see, I apply nothing on my skin. Just nothing. Even for my videos on Instagram or on YouTube, I apply nothing rather than just a lipstick and an eyeliner, which I have not put on this video. So this is totally a skincare routine which I follow, and as you can see, मुझे pimple भी हो रखा है. So skincare routine के साथ इस video में मैं आप सबके साथ बात करूँगी, and ज़्यादा बातें नहीं, but थोड़ी बहुत, because इस वीडियो के लिए मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी, एंड इट्स जस्ट आई वांट टू कीप इट नेचुरल, एंड हियर एम आई सो दैट यू कैन सी मी लाइक द वे आई एम. सो विदाउट अ फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हियर एम आई. मैंने इस वीडियो के लिए बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया. आई जस्ट हैड दिस थॉट इन माई माइंड टू डू अ स्किन केयर वीडियो. सो वेवर फी, मैं भी बात करते वक्त इतनी डरती हूँ, इतनी हेजिटेट करती हूँ. इवन मैं कल परसों अपने IGTV पे लाइव गई थी, एंड पता नहीं क्यों जब मैं लाइव जाती हूँ तो मेरे को अचानक से पसीने आने लग पड़ते हैं, एंड मैंने वो बात लाइव पे बोल भी दी. बट नाउ आई थिंक आई एम प्रिटी कम्फर्टेबल, क्योंकि काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भेजा कि नहीं, इट्स ओके, सब डरते हैं पहली बार, एंड इट्स ओके टू बी आर सेल्फ. And so let's start the video. So I used Himalayan face wash, and मैंने अभी clean कर लिया है. हालांकि कुछ लड़कियों को ये suit नहीं करता है, it's up to you, आपके skin type पे. But मेरे लिए ये अच्छा है, मेरे को काफ़ी पसंद है ये. हालांकि मैं स्विच करती रहती हूँ, क्योंकि हमेशा एक ही प्रोडक्ट पे नहीं रहना चाहिए, स्विच करना चाहिए, तभी आपकी स्किन को आदत होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ. सो मैं कभी क्लीन एंड क्लियर, कभी हिमालय एंड जो भी और है, मैं ट्राई करती रहती हूँ. सो स्विच करती रहती हूँ. सो फॉर द नेक्स्ट स्टेप वी आर यूजिंग दिस प्लम टोनर, विच इज़ सो अमेजिंग. इट इज़ एल्कोहल फ्री टोनर, हैंस इट इज़ सो गुड फॉर योर स्किन. मतलब ज़्यादातर टोनर्स में एल्कोहल होता है, एंड एल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन. सो मैं ज़्यादातर ये प्लम टोनर यूज़ करती हूँ. यू कैन यूज़ बायोटिक टोनर टू, बट आई डोंट प्रेफर इट, क्योंकि मुझे वो सूट नहीं करा, मैंने एक बार यूज़ किया. सो आई यूज़ दिस, एंड दिस वन इज़ माई सेकेंड बॉटल. मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अभी इसके बारे में बताया हुआ है, एंड मेरी वेबसाइट पे इसका पूरा डिटेल्स दी हुई हैं, कैसे यूज़ करना है, किस किस स्किन टाइप के लिए है, और कैसे यूज़ करते हैं टोनर, ये सब मैंने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है. सो आप उधर से चेक कर सकते हैं, आप वो आर्टिकल रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है. मैंने उधर बायोटिक टोनर के बारे में भी बताया हुआ है, सो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं. सो हाउ टू यूज प्लम टोनर. सो पहले तो हम इस बॉटल को थोड़ा शेक करेंगे, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ इंग्रेडिएंट्स सेटल डाउन हो जाते हैं, इसलिए हम पहले इसे शेक करेंगे. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, एंड यस, यू आर गुड टू गो. एंड मैं यूजली अपनी फिंगर्स ही यूज करती हूँ. आप चाहें तो कॉटन बॉल्स या कॉटन पैड यूज कर सकते हैं. So use this on your skin, especially T-zone, which is your forehead, nose, upper part of lips and chin. क्योंकि ये काफ़ी oily areas होते हैं, so यहाँ पर toner use करना काफ़ी अच्छा रहता है, and toner ज़्यादा जल्दी आपके pimples को dry out कर देता है, जो कि बहुत अच्छा है. You can use it on neck too, yeah. यार डैब डैब डैब. नेवर यूज द टोनर अराउंड योर आईज, बिकॉज ये एरिया काफी सेंसिटिव होता है, तो इधर कोई भी प्रोडक्ट, खासकर टोनर यूज करना अच्छा नहीं रहता. तो आप कोई भी टोनर यूज करें, प्लम का या बायोटिक का, सो आप ध्यान रखें कि आप आई एरिया के आसपास ना यूज करें, ज़्यादातर टी जोन में यूज करें, क्योंकि ये एरिया आपका काफ़ी ऑयली होता है, एंड टोनर हेल्प करता है ऑयल रिड्यूस करने में, आपको पिंपल्स कम होते हैं, एंड जो भी होते हैं वो ड्राई आउट हो जाते हैं. सो काफ़ी अच्छा है, एंड जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ लड़कियाँ
नींबू भी यूज करती हैं जैसे फेस के लिए या एल्बो के लिए वगैरह के लिए, तो नींबू क्या होता है हमारा पीएच बैलेंस खराब कर देता है, इसलिए जो टोनर होता है वो आपके पीएच बैलेंस को मेंटेन करके रखता है एंड आपकी स्किन ऑफकोर्स स्किन के पोर्स को खोलता है विच इज ग्रेट, क्योंकि जब आप मॉइस्चराइज लगाएंगे या कोई भी सीरम लगाएंगे स्किन सीरम वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो पाएगा। तो टोनर यूज करने के बाद आप इसे जल्दी ना पहुंचे, इसे ड्राई होने दें, और ये जब ड्राई होने लगता है तो काफी कूलिंग इफेक्ट आता है एंड यू कैन सी दैट मेरा थोड़ा बहुत ड्राई हो गया है। सो इसे आराम से ड्राई होने दें, कोई जल्दी ना करें। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच आई यूज गुड वाइब सीरम। As you can see, I just love this serum, so amazing. This is a Rosehip Radiant Glow Face Serum. मैंने इन सब प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है। सेम फॉर द प्लम टोनर, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, नाइका का भी एंड पर्पल ऐप का भी, सो आप उधर से मंगा सकते हैं या जो इनकी मेन वेबसाइट है प्लम आप उधर से भी मंगा सकते हैं इसे। मैंने दोनों के लिंक नीचे दिए हुए हैं गुड वाइब एंड प्लम के। सो ये इतनी सी बॉटल में आता है गुड वाइब फेस सीरम विच इज सो अमेजिंग। फोकस नहीं हो रहा है बट आई थिंक यू कैन सी दिस लाइक दिस इज जस्ट लाइक दिस। हम थोड़ा सा लेंगे एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर स्किन लाइक दिस। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े बहुत ड्रॉप्स एंड जस्ट रब इट। सो ऑलवेज यूज अ सीरम इन दिस डायरेक्शन। आप कभी भी ऐसे किसी भी चीज को मसाज ना करें। फॉर द लास्ट स्टेप आई एम यूजिंग दिस बेबी लिप फॉर माय लिप्स विच आर ड्राइड आउट। ओ माय गॉड, खुल ही नहीं रहा है काइंडली। सो जस्ट अप्लाई इट लाइक दिस एंड यस, आई जस्ट लव दिस बेबी लिप लिप बाम। यू कैन यूज निविया टू, सो इट्स जस्ट अप टू यू। सो गाइज, दिस इज माई स्किन केयर रूटीन। अगर आपको मेरी ये स्किन केयर वीडियो पसंद आई है सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके पास एक बेल आइकन है, उसे भी हिट कर दे सो दैट आप मेरी अगली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। एंड आई पोस्ट एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे, सो डू सब्सक्राइब एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।